नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक। दोस्तों, जब हम घर से निकलते हैं तो हम सभी की कोशिश होती है कि वक्त पर और सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन जब मिनटों का सफर घंटों में और घंटों का सफर दिनों में तब्दील हो जाए और उस पर सुरक्षा की भी कोई गारंटी ना हो तो सड़क की बदहाल स्थिति का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक हम सड़कों की बदहाली पर चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि जनता उठे और पूछे सरकार से सवाल, क्योंकि है हक आपका। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सड़कों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। सूबे में बदहाल सड़कों के खिलाफ श्री न्यूज ने एक मुहिम चलाई है। हम पूरे प्रदेश भर से घूम घूम कर बदहाल सड़कों का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में जनता की मुसीबतों को नजरअंदाज करने वाले हुक्मरानों को आगाह कर रहे हैं कि ए साहब, ये ठीक नहीं है। सड़कों की हालत खस्ता, लोगों की बढ़ी परेशानियां, सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। ज्यादातर सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को एक घंटे का सफर तय करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। लोग समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते, अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यहां तक है कि बीमार इंसान समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता। जिले की सड़कें ही नहीं बल्कि नेशनल हाईवे भी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूबे के मुखिया अखिलेश यादव भी मानते हैं कि नेशनल हाईवे की हालत खस्ता है। इन राजमार्गों पर आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यूपी में नेशनल हाईवे की लंबाई कुल 7600 किलोमीटर है। इनमें 4000 किलोमीटर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधीन है। बाकी 3600 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल का काम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के जरिए किया जाता है। ऐसे में NHAI के अधीन मार्गों की हालत बहुत खराब होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन खराब मार्गों में खासतौर पर वाराणसी गाजीपुर गोरखपुर मार्ग NH29, रायबरेली इलाहाबाद NH24B, टांडा लालगंज फतेहपुर बांदा मार्ग NH232, अलीगढ़ कानपुर मार्ग NH91, रामपुर रुद्रपुर मार्ग NH87 की हालत काफी खराब है। दरअसल यूपी में 7500 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की देखरेख NHAI के पास है। 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे की देखरेख PWD के पास। 7500 किलोमीटर स्टेट हाईवे की देखरेख PWD के पास, जबकि 7500 किलोमीटर बड़े जिला मार्ग हैं, जिसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 39000 किलोमीटर, अन्य मार्ग 1,38,000 किलोमीटर हैं। ग्रामीण सड़कें 71,000 किलोमीटर, सड़कों की देखरेख मंडी, पंचायती राज, गन्ना विभाग और RES के पास। बहरहाल सड़कों पर भी सियासत जारी है, लेकिन इन बदहाल सड़कों का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर बदहाल सड़कों की स्थिति कब ठीक होगी, कब सुधार होगा। श्री न्यूज ने बोला है हल्ला सरकार पर, सोई हुई सरकार को जगाना है। जी हां, उत्तर प्रदेश की खोई हुई सरकार, कहां खोई है ये नहीं किसी को पता। सोई हुई सरकार को जगाना है और पूछना है तमाम सारे सवाल, क्योंकि श्री न्यूज ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम रखा है हक आपका। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन मुद्दों को उठाएं, उन सवालों को उठाएं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े होते हैं, जिनका सीधा सीधा सरोकार आपसे होता है। हम पिछले 2 हफ्तों से लगातार बात कर रहे हैं बदहाल सड़कों की। पंकज जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं।
झारखंड से दिग्दर्शक पंकज जी। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। झारखंड में आप कहां से बोल रहे हैं और आपके इलाके में सड़कों की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कैसी है वहां की सड़कें? हाँ सर, यहाँ तो सड़क एकदम बहुत खराब है, यहाँ तो मतलब जानवर भी नहीं चल सकते इस रास्ते से, कोई सरकार का यहाँ देखभाल नहीं है, एकदम रास्ता खराब है जी। तो जब रास्ते खराब हैं, जाहिर सी बात है फिर तो पंकज जी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आप लोगों को। तो आप सब लोगों ने मिलकर कभी विभाग के अधिकारियों से कभी शिकायत की इस संदर्भ में क्या? हाँ, बहुत बार किया है सर, कोई सर यह रास्ता नहीं। अच्छा, लिखित कोई शिकायत की तो क्या जवाब क्या मिला? जैसे आप जब विभाग में जाते हैं वहां पर अधिकारियों से मिलते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, तो क्या कहते हैं अधिकारी आपसे? हाँ, बोलता है कि होगा लेकिन आज से 10 साल से होता आ रहा है लेकिन अभी तक वैसा ही है। तो अब आप क्या चाहते हैं? सोई हुई सरकार को जगाना है, राज्य सरकार को। श्री न्यूज के माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं पंकज जी। जी सर जी, आप अपनी बात कहिए। हाँ सर, हम तो कहना है कि हमारे इधर सर रास्ता अच्छा होना चाहिए और एक पुल का निर्माण होना चाहिए, जैसे हम लोग जाना आने में। बिल्कुल, रास्ते अच्छे होने चाहिए, सुगम होने चाहिए और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े लोगों को, यही एक प्राथमिकता होनी चाहिए। सोई हुई सरकार को 10 में से पंकज जी आप कितने अंक देना चाहेंगे अपनी राज्य सरकार को? नहीं, या तो हम 0 अंक देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे बात करने के लिए। श्रीधर झारखंड से हमारे साथ एक दर्शक पंकज जी जुड़े थे, जिन्होंने अपनी समस्या हमें बताई और साथ ही साथ श्री न्यूज ने उनको पूरी तरीके से इस बात के लिए आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। ये तस्वीरें देखिए और फोन उठाइए और डायल कीजिए नंबर, टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं, बेबाक रूप से आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि हक आपका है, सवाल आपका है, कार्यक्रम भी आपका है। यही वो कार्यक्रम है 8 से 9 के बीच में, सोमवार से शुक्रवार तक हम लगातार दिखा रहे हैं कि बदहाल सड़कों की क्या कहानी है, क्या सच है। श्री न्यूज के संवाददाता निकल पड़ते हैं सच जानने के लिए। उत्तर प्रदेश की सड़कों का ये हाल है, ये फरुखाबाद, इलाहाबाद, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहानपुर, ये पूरे तमाम सारे जो जिले हैं उनकी ये तस्वीरें हैं और कमोबेश स्थिति एक ही जैसी है कि बेचारगी लाचारी। ये तस्वीरें हैं, ये देखिए तस्वीरें। रवि जी हमारे साथ रामपुर से एक दर्शक जुड़ गए उत्तर प्रदेश के रामपुर से। रवि जी नमस्कार, स्वागत है आपका। रामपुर से आप बोल रहे हैं, रामपुर में किस इलाके से बोल रहे हैं और क्या स्थिति है आपके इलाके में सड़कों की? हाँ जी भैया, बहुत ही खराब स्थिति है, हाईवे बन रहे हैं, उन बन की टूट रहे हैं, जो लिंक रोड है, दूसरे रोड है, बिल्कुल ही बेकार है जी। जी, तो ये आप किस किस इलाके की बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे किस इलाके में रहते हैं रामपुर में? हम उत्तराखंड के बिल्कुल नजदीक में है, यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पे है, हम यूपी में पढ़ते हैं जी। अच्छा, ये बताइए सबसे ज्यादा किस मौसम में दिक्कतें आती हैं, बरसात के मौसम में या जाड़ों के मौसम में, या किस कब आती दिक्कत आपको, क्या लगता है? मैं तो वैसे निकला ही नहीं जाता, इतने गंदे गंदे रोड हैं यहाँ पे, जो लिंक रोड तो बिल्कुल ही बेकार है जी। जो हाईवे है हल्के फुल्के ठीक है, बट लिंक रोड तो बिल्कुल ही बेकार है। ये जो रोड है बिलासपुर से सीधा दिल्ली की तरफ जाता है, रामपुर से होता हुआ रामपुर तक तो बिल्कुल ही। अच्छा, इससे पहले इस संदर्भ में आपने सुधार के लिए किस किस अधिकारी से शिकायत की, क्या आप हमें उनका नाम भी बता पाएंगे या उनका किस तरीके का जवाब रहा, किस तरीके का रवैया रहा? ये MLA जी है, उनसे बात करते हैं और अपने जो मेन है MP है जी, जनप्रतिनिधियों का किस तरीके का रिस्पांस रहा? कोई रिस्पांस नहीं, कहते ऊपर से भी पैसे नहीं आए, ये है वो है, ऊपर से पैसे का हवाला देते हैं। चलिए, कोशिश हमारी यही रहेगी कि अब उन अधिकारियों से श्री न्यूज पूछेगा सवाल कि आखिर मान्यवर पैसे तो इतना सैंक्शन होते हैं, पैसे जाते कहाँ हैं, किसकी जेब में जाते हैं, काम कहाँ हुआ, हुआ तो क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई? तो ये तमाम सारे सवाल अब श्री न्यूज पूछेगा उत्तर प्रदेश सरकार को। आप कितने अंक देना चाहेंगे रवि जी, 10 में से? मैं 0 शून्य देना चाहता हूँ। शुक्रिया रवि जी हमसे बात करने के लिए। रवि जी थे हमारे साथ रामपुर से एक दर्शक, उन्होंने 0 अंक दिए हैं। कमोबेश स्थिति यही है कि सोई हुई सरकार को जगाना है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अंक वाकई चौंकाने वाले हैं। एक तरफ मेट्रो का प्रोजेक्ट जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन जो सड़कों की जो स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, वो श्री न्यूज के संवाददाताओं ने अपने कैमरे में कैच की है। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ सचिन जी जुड़ गए हैं। सचिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सचिन जी मुजफ्फरनगर में आप कहां से बोल रहे हैं?
प्रेमपुरी से बोल रहा हूँ सर। जी जी आप अपनी बात रखें, बदहाल सड़कों को लेकर। सर बहुत बुरा हाल है यहाँ सड़कों का, कहीं भी जाते हैं हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं जी। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है जी। तो सचिन जी आपकी बातों से भी दर्द साफ तौर पर झलक रहा है सचिन जी, लेकिन जिस तरीके से अब आखिर श्री न्यूज ने तो एक बार सवाल उठाया, सवाल ये कि अगर श्री न्यूज इन मुद्दों को ना उठाता तो सरकार तो शायद बिल्कुल भी सोई रहती, जागने की जरूरत ही नहीं थी उसको। सचिन जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी सर बताएं जी। तो सचिन जी अब आप बताइए, हमने आपको एक मंच दिया है, एक कार्यक्रम के तहत आप अपनी बात रख सकते हैं, अब आप बताइए क्या चाहते हैं, किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं सड़कों को लेकर। जी सर, जिस तरीके से आपने ये मुहिम उठाई है ये बहुत काबिले तारीफ है, और हम यही सोचते हैं कि जैसे आप हमने टीवी के माध्यम से चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो हमें लगता है कि जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जल्द से जल्द कार्रवाई कैसे होगी, कौन करेगा बताइए? सर हम तो कम्प्लेन ही कर सकते हैं, हम क्या जी। उत्तर प्रदेश सरकार को 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे इस अव्यवस्था के लिए? चलिए शुक्रिया सचिन जी हमसे बात करने के लिए। सचिन जी ने भी 0 अंक दिए हैं इस उत्तर प्रदेश सरकार को, समाजवादी पार्टी सरकार को। राजधानी लखनऊ में भले ही बात करें, काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है मेट्रो का, लेकिन अब जरा तस्वीरें देखिए, बुलंदशहर, लखनऊ, वाराणसी, कौशाम्बी, गाजियाबाद और फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें हैं। ये बदहाली की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी इतने से काम नहीं चलेगा, जनता इतने से खुश नहीं है, इतने से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अभी सरकार को काम करना होगा इस क्षेत्र में, तभी जनता मौका देगी दोबारा सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती है, तभी मेन होल तक खुले हैं, एक मानो कि बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हो। ये महावीर प्रसाद जी राजस्थान के भीलवाड़ा से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। महावीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। राजस्थान में तो सड़कों का बेहद बुरा हाल है, फिलहाल हम आपके इलाके की स्थिति जानना चाहेंगे सड़कों की। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में, कैसी स्थिति है आपके इलाकों में सड़कों की? सड़कों की बुरी हालत है सर, यहाँ पे चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पीछे पानी आगे पानी, बिल्कुल इतना परेशान है, सड़कें तो नाम की है, सड़कें तो है ही नहीं। अच्छा आपका कौन सा इलाका है भीलवाड़ा में? भीलवाड़ा में सर जाजपुर तहसील है जी। तो आपके इलाके में जो MLA होंगे, MLC होंगे, सरपंच होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, क्या वो कभी जहमत उठाते हैं कभी कुछ करने की कि नहीं? बिल्कुल नहीं उठाते सर, कुछ भी नहीं करते हैं वो, उनको कह करके थक गए। वसुंधरा सरकार तो चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे कर रही थी, अब फिलहाल वसुंधरा सरकार सोई हुई है क्या? अभी भी पंचायत चुनाव है, उसमें बड़े बड़े दावे किए गए, ये वो है, उसके बाद में दूसरे दिन सरपंच साहब जीतने के बाद में बोलता है कौन सा तुम लोगों ने हमारे को वोट दिया है। तो अब आप क्या चाहते हैं बताइए, श्री न्यूज के माध्यम से आप अपनी बात रखिए सर। मैं तो यही चाहता हूँ कि मतलब सरकार ये भेदभाव क्यों करती है, बोलता है हमारे कौन सा वोट दिया, कौन सा क्या किया है। हाँ एक बात आपने अच्छी कही कि सरकार भेदभाव क्यों करती, क्योंकि कुछ इलाकों में जो VVIPs इलाके होंगे उनमें देखिए सड़कें बिल्कुल चिकनी सफा चट बिल्कुल होंगी, लेकिन कुछ इलाकों में स्थिति इतनी बदतर कि पता ही नहीं लगता है कि सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें जिस तरीके से, तो ऐसे में फिर क्या कुछ करना चाहेंगे आप? सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं पता नहीं लगता, सरकार ये भेदभाव क्यों करती है बताइए सर। नहीं है सड़कों में गड्ढे नहीं है, मतलब गड्ढों में सड़कें बनी हुई हैं, और ये सरकार भेदभाव, अभी बीजेपी के मेंबर जैसे बीजेपी की सरकार है तो हमारे इधर कांग्रेस के आ जाते हैं, बोलते हैं कि वहाँ से वो तो हमारे को बजट नहीं मिलता है, कभी ये बोलते थे कि वो तो वो उनकी सरकार है तो हमारे को बोलते पैसे नहीं मिलते।